दोस्तों अगला हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टैक्स के रूल बदलने वाले हैं, टैक्स स्ट्रक्चर बदलने वाला है। और आपको पता है क्योंकि पहली एनडीए गवर्नमेंट, दूसरी एनडीए गवर्नमेंट और तीसरी एनडीए गवर्नमेंट में तीनों में फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं बिफोर बजट, बजट से पहले। और सरकार बनने के बाद तीसरी बार अगर आप देखेंगे तो पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें दो तीन सेक्टर पे संभावना है बड़े चेंजेस हो सकते हैं। लाइक क्रूड ऑयल को रिलेट कर सकते हैं आप इसमें, क्रूड ऑयल पे बड़ा फैसला हो सकता है। लाइक गेमिंग सेक्टर पे बड़ा फैसला हो सकता है, और लाइक देखिएगा शुगर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर पे बड़ा फैसला हो सकता है। और आपको पता है कि ये एनडीए की थर्ड गवर्नमेंट के बाद पहली बार सरकार बन रही है, पहली बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और ये बजट से पहले हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट विल इम्पैक्ट द होल स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे तीन चार स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से देखिएगा खबर आ रही है। और एजेंडे भी छोटे नहीं रहने वाले हैं, अगर आप देखेंगे 22 जून को जो एजेंडे होंगे वो भी छोटे नहीं रहेंगे, और इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके रिव्यू आ जाते हैं, इसके पोल्स आ जाते हैं, इसके एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे 19 से देखिएगा 20 के बीच में, यानी कि 19 से 20 के बीच में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होने लगेगा कि जीएसटी काउंसिल पे किस गहन देखेगा, कौन से मतलब हॉट टॉपिक हैं जो डिस्कस होंगे ही होंगे, और इनके स्ट्रक्चरल चेंज टैक्स से रिलेटेड बदले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जब बदलाव होगा और पहली देखेगा मीटिंग है तो इसमें देखेगा बड़े चेंजेस हो सकते हैं बिफोर बजट। तो अगर आप देखेंगे 9 जून को नई सरकार बनी है, नई सरकार में वित्त मंत्रालय फिर से देखेगा निर्मला सीतारमण जी को मिला है। जीएसटी परिषद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स की जानकारी दी गई है कि 22 जून को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक होने वाली है और ये देखिएगा नई सरकार की पहली बैठक होगी। तो बड़ी बैठक आपको पता है कि इस बार एनडीए के साथ है, फुल मेजॉरिटी नहीं है, तो सबके हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे। लाइक आपको पता है जब आप समर्थन लेते हो तो आप सोलो डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो वो सोलो डिसीजन का हो सकता है थोड़ा सा लैक देखने को मिले। और अगर आप देखेंगे तो इससे पहले लगातार जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इससे पहले जीएसटी की जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें बड़े ही चेंजेस हुए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि तीसरी बार की सरकार बनी है तो और भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 22 जून को नई सरकार की पहली बैठक आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्रालय यहाँ पे आपको पता है सेम है, यहाँ पे आप इसका पूरा चेकआउट भी कर सकते हो, सोर्स भी चेकआउट कर सकते हो जाके। फिर अगर आप आगे देखोगे तो अभी तक बैठक के एजेंडे की क्लियर जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी ये ज़रूर है कि गेमिंग सेक्टर में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, और क्रूड ऑयल और देखिएगा नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इन पर देखिएगा कोई एक डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा, क्या ऐसा पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, क्या है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारे एजेंडे हैं। और इन एजेंडों पे अगर वर्क होता है तो आपको पता है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एक ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो निफ्टी को यहाँ पे थर्ड नंबर पे सपोर्ट करता है, तो इम्पैक्ट बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्री उसी से रिलेटेड स्टॉक है जो सेकेंड हाइएस्ट वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, तो इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंकों में कर दरों और कुछ नीतियों में परिवर्तन, और इन पे देखिएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो जीएसटी पे एक रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म देखने को इस पर्टिकुलर मीटिंग में मिल सकता है। 19 से 20 जून में आपको थोड़े से टॉपिक्स पता चल जाएंगे किस पे बात होने वाली है, तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट बिहेव करना शुरू कर देगा।
और जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन आपको बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा, उसके बाद भी बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि बजट से पहले यहाँ पे कई चेंजेस हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।